एंड वेलकम टू माय चैनल नीरू प्रकाश। तो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ एवरीडे मेकअप लुक। हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है कि डेली डेली मेकअप के सारे स्टेप्स फॉलो कर सकूं। जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी एक छोटी बेटी भी है, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं मेकअप के सारे स्टेप फॉलो कर सकूं डेली रूटीन में। या शादी फंक्शन पार्टी वगैरह में हम लोग मेकअप अच्छे से करके जाते हैं, बट डेली में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। या फिर आप ऑफिस गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप मेकअप के सारे स्टेप्स फॉलो कर सके। तो मैं आज आपसे वही शेयर करने वाली हूँ जो कि 5 to 10 मिनट्स में आप मेकअप कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को अपने स्किन को प्रेप अप करना होता है, यू नो, टोनिंग से, मॉइस्चराइजर से या फिर सिरप वगैरह से। तो बहुत ये सारे स्टेप्स मैं आप सबके साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ। मैं मॉइस्चराइजर से स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं यूज करती हूँ पॉन्ड्स का व्हाइट जेल मॉइस्चराइजर। आपको जो भी मॉइस्चराइजर पसंद आता है, आप अपने स्किन को सबसे पहले मॉइस्चराइज करेंगे बहुत अच्छे से। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में एंड अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं लिंक सारा का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको कुछ पसंद आता है तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से लेके मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लूंगी। स्टेप है, मैं यहाँ कोई भी प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर वगैरह यूज नहीं करने वाली हूँ। बस एक सीसी क्रीम यूज कर रही हूँ, वो ये लैक्मे का सीसी क्रीम है। आप कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम यूज कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। मार्केट में बहुत सारे हैं, पॉन्ड्स का है, गार्नियर का है, फेयर एंड लवली का है, बहुत सारे बीबी, जो आपके स्किन को सूट करता हो और जो आपको पसंद हो तो वो आप यूज कर सकते। बस इसे थोड़ा सा टैप टैप करके आपको अपने फेस पे पूरा लगा लेना है। नेक एरिया को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, नेक एरिया और फेस आपका दोनों मैच होना चाहिए। हैंड के फिंगर से ही इसे मिला लेती हूँ। सीसी क्रीम लगाऊंगी अपने अंडर आई एरिया पे। लकीली मेरी अंडर आई एरिया बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, तो मुझे बहुत ज्यादा कंसीलर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं ये थोड़ा सा क्रीम एक्स्ट्रा लेके अपने अंडर आई एरिया पे लगा लूंगी। अब मैं अपने सीसी क्रीम को थोड़ा सेट करने के लिए मैं यहाँ फेस पाउडर यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर सकते हैं। व्हाइट टोन फेस पाउडर मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे अच्छा कवरेज भी देता है, तो मैं ये व्हाइट टोन ही यूज कर रही हूँ। बारी आती है काजल की। यू नो, इंडियन मेकअप काजल के बिना बहुत अधूरा लगता है एंड मुझे काजल लगाना भी बहुत पसंद है। आप चाहें तो काजल को स्किप करके आप आईलाइनर लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ आईलाइनर स्किप करके काजल लगा रही हूँ। ये मैं ये यूज कर रही हूँ L18 का आई ड्रामा काजल, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है, अंडर 100 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ अपने काजल को डार्क लगाया है क्योंकि मैं यहाँ कोई भी आईलाइनर वगैरह नहीं लगाने वाली हूँ। इसलिए अगर आप काजल स्किप करके आईलाइनर लगा सकते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, बट मुझे काजल थोड़ा ज़्यादा पसंद है लगाना, इसलिए मैं काजल ही ज़्यादा लगाती हूँ, आईलाइनर को स्किप कर देती हूँ। एंड नाउ मैं थोड़ा सा मस्करा लगा लूंगी। मस्करा लगाने से आप आई थोड़ी सी बड़ी लगती है, तो मैं यहाँ कलर फिल का मस्करा लगा रही हूँ। ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। एक्चुअली मैंने ये से लोकल मार्केट से लिया था, पता नहीं ये ऑनलाइन मिलेगा कि नहीं। नाउ अब बारी आती है लिपस्टिक की, लास्ट स्टेप। ये वॉक फ्री का लिपस्टिक है, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था एंड ये ब्लू हेवन 15 शेड है इसका। अगर ये अमेजोन पे मिलता है तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेरा मेकअप लुक
ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट नहीं बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। मैंने अपने पसंद की इयररिंग्स पहन ली है एंड अपने एवरीडे मेकअप लुक को कंप्लीट किया है। तो ये था मेरा आज का एवरीडे मेकअप लुक। आप लोगों को ये लुक कैसा लगा, पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड ये पसंद आता हो तो लाइक जरूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सारे नोटिफिकेशन मेरे वीडियोज़ की आप तक पहुँच सके। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नीलू सिंह, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं।